I'm flying. Maybe I'm happy that you're gone. Assalamu alaikum. Ek minute. मेरी बिखरी हुई टेबल है, डोंट फाइंड इट प्लीज. ओके, अच्छा तो जनाब आज का दिन है 11 अगस्त, विच मीन्स वैसे तो नॉर्मल सा दिन है, बट CIE के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज हमारा रिजल्ट आ रहा है इलेवेंथ का. और मैं सुबह 10 बजे से उठी हुई थी बट रिजल्ट लिखा आ रहा है टू बी रिलीज. मतलब भाई क्या रिलीज, कोई फिल्म रिलीज कर रहे हो, कर दो रिलीज, बंदा एंजाइटी से मर जाएगा. नहीं, अब 12 बजे बोला है प्रिंसिपल ने कि भाई रिजल्ट आएगा, तो अब देखते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आया है. एक मिनट में आई, अभी फोन लेके आना. यार ये ग्रीन ग्रीन क्यों हो रहा है, इसका वाइट बैलेंस खराब हो गया है. ओके, तो मेरा दिल इस वक्त ऐसे कर रहा है कि ऐसे फील नहीं होता कोई आपके दिल को पकड़ के ऐसे करो, मतलब स्क्वीज कर रहा हो सिंपल यार. ठीक है, तो अब कुछ लोगों का रिजल्ट आ चुका है, तो उन्होंने ग्रुप पे बताया कि हमारा रिजल्ट आ गया. एक बच्चे के तो 4 ईयर्स आए हैं भाई, तो एंजाइटी लेवल तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है. ठीक है, अब मुझे अपना रिजल्ट खोलना है. बिफोर ओपनिंग दैट आई वांट टू टेल यू माय प्रीवियस रिजल्ट. मेरा A, C और D आया था. ठीक है, ए आया था इकोनॉमिक्स में, सी आया था अकाउंट्स में और डी आया था बिजनेस में. अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो मतलब इस साल रिजल्ट, वैसे तो यूजुअली हम जाके कॉलेज से रिजल्ट लेते हैं, ठीक है, इस साल रिजल्ट घर पे आया. मतलब अच्छे से जलील जो होंगे ना वो घर पे ही होंगे, मतलब इतना भी टाइम स्पेंड नहीं होगा हमारे पास बाहर जाके दोस्तों से मिल के थोड़ा सा मूड सेट कर लेंगे भाई, समझ रहे हो ना. क्या होगा यार, ऐसा काम पर है ना सारा कुछ, दिल दिमाग हड्डियाँ हाथ. अरे फ़ोन नहीं खुल रहा, बहरहाल फ़ोन खुल गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे चली थी. रिजल्ट आया क्योंकि मैंने सुना है जब उसके बाद जिंदगी खत्म होती है, यादें चल जाती है तो खत्म होती है. ये मेरा पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है लॉग इन हुआ है, क्योंकि मैं 10 बजे से देखती हूँ और कुछ नहीं मिल रहा. लॉग इन कर लूँ, तारा प्लीज बचा लेना, प्लीज बचा लेना. आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, दिस इज गुड, आई एम वेरी हैप्पी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा रिएक्शन अपने घर पे ऐसा नहीं होता, ओह यस, ये मैं इमोशनलेस इंसान हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी कि सी से नीचे नहीं आया, मुझे बाहर जाना पढ़ने के लिए और ये सी से नीचे नहीं आया, विच मीन्स कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है. हाउएवर आई एम डिसअपॉइंटेड कि मेरा ए था इकोनॉमिक्स में जो बी बन गया है, बट मेरे 2 ग्रेड्स अप भी हुए हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. अब बाहरी आती है अम्मा को बताने की, हाउ विल शी रिएक्ट. वैसे मेरी अम्मा खुश नहीं होंगी मुझे पता है, वो बोलेंगी ऐसे भी क्यों हो गया बेटा, बताओ मैं क्या बताऊंगी अम्मा, CIE वालों ने किया, मैंने नहीं किया, आई स्वेयर टू गॉड मैंने नहीं किया. बहरहाल माँ रिजल्ट आ गया, क्या हुआ, BBC आया.
क्यों एक सब्जेक्ट में तो तुम्हारा बी नहीं था, ये था, तो फिर ऐसे क्यों? बस अब आ गया ना अम्मा। नहीं तो आप मिससे पूछो, लोगों से पूछो ना, तो ऐसा क्यों हुआ? अब आ गया ना अम्मा। नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो गिर गया ना एक। जब ए आया तो दो ऊपर भी तो हो गए ना। नहीं उससे कुछ नहीं होता, उनसे फिर भी बोलो तो, ये तो कोई बात नहीं, अगर हम एग्जाम से ही ले लेते तो अच्छा था। I told you. So how would she react? So this is what it is. My mom is not happy with the B, but still I'm happy with the overall result. Yeah, I'm kind of disappointed कि मेरा A नहीं आया economics में, because वो मेरा अच्छा subject था, but जो आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह for that. Alright, तो before ending this video, देखो मुझे नहीं पता था मेरा result क्या आएगा, सही है, वो डी और ई भी आ सकता था जिनका रिजल्ट आया है। तो यार ये वीडियो देख के एक चीज समझ जाओ कि ए वाले इंसान का भी बी आ जाता है, सही है। सो इफ अगर आपका रिजल्ट नहीं आया वैसा जैसा आप चाहते थे या चाहती थी, इट्स ओके, जस्ट लीव इट ऑन अल्लाह, ठीक है, एंड आई थिंक ही विल डू बेटर। एंड ऑनेस्टली लाइफ हमने तो लिखी नहीं है ना, जिसने लिखी है, जिसका काम है उसे करने दो। हो सकता है इस रिजल्ट की जगह उसने कुछ और बेहतर लिखा हो तुम्हारी ज़िंदगी में, सो जस्ट बिलीव इन हिम एंड लेट गो। मैं इसे नहीं बोल रही कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया है, मेरा भी ग्रेड गिरा है, पर मेरे ग्रेड्स ऊपर भी हुए हैं, बट अगर मेरा बुरा भी आता ना तो आई लेफ्ट इट ऑन अल्लाह, एंड मैंने ये सोच लिया था कि बुरा रिजल्ट भी आएगा सो इसमें कोई मसलियत होगी और ये मेरी बेहतरी के लिए होगा। सो या अगर आपको बुरा लग रहा है तो अपने दोस्तों से जाके बात करो, जो ऐसे दोस्तों से जो तुम्हें जज ना करें तुम्हारे रिजल्ट पे, टॉक इट थ्रू और दो दिन तीन दिन रो लो यार कसम से, आई मीन इट्स इम्पॉर्टेंट, बट मूव ऑन एंड लुक फॉर न्यू थिंग्स, मे बी इंशाल्लाह अल्लाह हैज़ रिटन समथिंग बेटर। और जिनका अच्छा है भाई जाओ पार्टी करो, चलो कटो, हम फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहाँ से होता है। That you're crying, I'm flying. Maybe I'm happy that you're gone.